इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और शरीर जो है स्किन जल्दी बूढ़ा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वर पाकशाला में। मैं हूँ पवित्रा। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक यूनिक आयुर्वेदिक हेल्दी रेसिपी, जिसका नाम है एलोवेरा स्लश। हाँ दोस्तों, एलोवेरा स्लश, फिर से कह रही हूँ मैं, एलोवेरा स्लश। तो एलोवेरा का बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर है, करीबन 10 से 11 तो होगी। तो मैंने ये प्ले लिस्ट भी बना के रखा है एलोवेरा जंगल नाम से। तो बहुत ही अच्छे रेसिपीज है दोस्तों मेरे चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज हम बनाएंगे एलोवेरा स्लश, चलिए बनाते हैं। एलोवेरा स्लश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा का एक बड़ा पत्ती लिया था, जो वो थोड़ा सा खराब हुआ था, उसको मैंने काट कर फेंक दिया है। तो तीन भाग करके मैं अभी काट रही हूँ उसे। तो देखिए, इसका जो किनारों का भाग है काटे वाला, उसको हटा देना है। उसके बाद इसका ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल लेना है, ताकि इसके अंदर का जेल जो है उसे निकालने में हमें आसानी हो। तो एलोवेरा को पौधे से काटते ही आप इसे आधे आधे या एक घंटे के लिए रख दीजिएगा, ताकि इसके अंदर का जो येलो कलर का तरल पदार्थ होता है वो निकल जाए, क्योंकि वो एक तरह का विष जहर का काम करता है। तो देखिए, अभी हम जेल को निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत आपको छिलका रह भी जाए ना निकालते वक्त, तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, वो भी ठीक ही है, हेल्थ के लिए वो भी फायदा ही करेगा। तो देखिए, मैंने जेल को निकाल लिया है। तो आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा एलोवेरा का पीसेस ले सकते हैं। तो इस तरह से अभी दो पीसेस हैं, उसको भी काट कर रख लेंगे। थोड़ा सा छिलका रह गया है, परंतु कोई बात नहीं दोस्तों, वो ठीक ही है, अच्छा ही है, वो भी हेल्थ के लिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट। तो विटामिन ए बी सी होते हैं इसमें, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो इतने से एलोवेरा में हम डालेंगे 50 ml जितना पानी। तो देखिए इतना पानी डाला है मैंने, ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो इसमें डालेंगे हम आधा नींबू। तो इतनी क्वांटिटी में आधा नींबू जाएगा। तो आगे एलोवेरा के बहुत सारे रेसिपीज आने वाले हैं इस समर में, बिल्कुल। अभी हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, हाफ टीस्पून जितना ब्लैक सॉल्ट। तो देखिए अभी ये ग्राइंड हो चुका है। तो अभी इसमें डालेंगे ग्लास में, और इसे ढककर हमें रख देना है दोस्तों 10 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में। फ्रिज में मत रखिएगा, ऊपर फ्रीजर में रख दीजिएगा, ताकि जल्दी आइस बन जाए इसका। तो 10 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और शरीर जो है स्किन जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए एलोवेरा खाइएगा, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये देखिए पूरा जम चुका है ये। तो इसे हम क्या करेंगे, इसी चाकू से, इसी नाइफ से इसे कूट लेंगे। तो मैंने ग्लास का यूज़ किया है, आप चाहे तो स्टील का ग्लास पे इसे रख सकते हैं। तो देखिए मैं ऊपर से इसे इस तरह से हल्का हल्का दबा रही हूँ, तो ये बिल्कुल स्लश बन जा रहा है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छे से स्लश बन जाएगा। तो देखिए बन रहा है ना स्लश, थोड़ा है इसीलिए मैंने इसे इस ग्लास में ही कूट लिया है। तो देखिए मस्त स्लश बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल टेस्टी बना है ये। तो यकीन नहीं करेंगे जिसने खाया, इस एलोवेरा का बना है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो एलोवेरा का स्लश बनाने के लिए आपको हल्का रंग का एलोवेरा का ही यूज़ करना है, यानी इसमें दो रंग होते हैं एलोवेरा में, ज़्यादा गाढ़ा रंग का होता है ना हरे रंग का, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए आपको फीका हरा रंग का ही यूज़ करना है। तो ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि और भी ज़्यादा स्वाद आए इसमें। तो एलोवेरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर खाइएगा एलोवेरा। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे रेसिपीज हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको हमारी आज की ये रेसिपी एलोवेरा स्लश की? तो आगे एलोवेरा के बहुत सारे रेसिपीज आने वाले हैं इस समर में, बिल्कुल आपको ठंडा ठंडा कर देने वाले।
तो बहुत ही अच्छे, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, एलोवेरा के ये रेसिपीज हैं। अगर आप सामने हो तो खाएंगे तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ये एलोवेरा से बने हुए हैं, इतनी टेस्टी बनेगी। तो जरूर बना के देखिएगा, तभी आप समझेंगे कि ये एलोवेरा की रेसिपीज हेल्दी भी है और साथ में कितना टेस्टी भी है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारी इस चैनल को अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप मिस ना कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।